राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। विजयपुर में तहसीलदार और सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदस्थ अशोक गोबड़िया और महगांव के पटवारी सौरभ शर्मा पर 7 दिसंबर की रात 10:30 बजे अनाधिकृत रूप से स्ट्रांग रूम में प्रवेश होने का आरोप कांग्रेस प्रत्याशी रमेश दुबे ने लगाया है और इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को भी लिखित शिकायत दी गई है। उन्होंने बताया कि उनके समर्थकों ने रात 10:30 बजे एक वाहन प्रवेश होता हुआ देखा, वाहन को रोकने का प्रयास किया तो वो रुका नहीं। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। पुलिस द्वारा जब गाड़ी नंबर से जानकारी मिली तो वो गाड़ी किसी दीपक शर्मा के नाम से होनी बताई, जो कि विजयपुर तहसीलदार और सहायक निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गबड़िया की है। यहां अधिकृत होना बताया गया और साथ में आए महगांव पटवारी सौरभ शर्मा किसके परमिशन से आया था, क्या सहायक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन से छुट्टी लेकर आए थे, अगर छुट्टी भी थी तो स्ट्रांग रूम के परिसर में क्यों गए थे। इस तरह के कुछ चंद सवाल दोनों लोगों की कार्यशैली पर संदेह के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। स्ट्रांग रूम में निरंतर हर बार हम सब लोग जो सतत निगरानी रखे हैं तो रोज कोई ना कोई खामियां नजर आ रही हैं और धांधली की पूरी पूरी आशंका है, जिसको लेकर हमारे सभी कार्यकर्ता सजग हैं और रात भर यहाँ भी रह रहे हैं और सड़कों पर भी घूम के देख रहे हैं। परसों रात में 7 तारीख को रात 10 बजे के आसपास 10 और 11 के बीच में स्ट्रांग रूम के पीछे के साइड में एक गाड़ी गई, एक वाहन आता है फोर व्हीलर, उस फोर व्हीलर को जब हमने हमारे साथियों ने जब रोकने की कोशिश की उसने रोका नहीं, 2 बार उसने अंदर आने की कोशिश की। पीछे का गेट हमेशा खुला रहता था उस समय तक, कल हम लोगों की कंप्लेंट पर वो बंद होना शुरू हुआ। तो जब उस गाड़ी का नंबर हमने कंप्लेंट किया कलेक्टर और SP साहब को यहाँ पर भिंड में, उन्होंने जब गाड़ी का सर्च करवाया तो वो गाड़ी वहाँ पर दीपक शर्मा नाम से उसका रजिस्ट्रेशन था और उस गाड़ी के बारे में जब जानकारी ली गई तो वो किराए पर दी गई है। विजयपुर में जो ARO हैं मिस्टर अशोक गोगाड़िया, तो उनके नाम पर वो गाड़ी अलॉट है। वो गाड़ी जब विजयपुर का जो है ARO उसके नाम अलॉट है तो विजयपुर में चुनाव के समय पर ड्यूटी वो भिंड में आके क्या कर रहा था। जब इसकी जानकारी हमें पुलिस लाइन के जो सूबेदार के द्वारा कल जानकारी हमें दी गई कि ये मिस्टर अशोक गोगाड़िया के नाम पर गाड़ी अलॉट है, तो हमारा प्रश्न था उनसे कि चुनाव के समय पर वो आखिर यहाँ पर कैसे आए, इसकी जानकारी श्योपुर जिला निर्वाचन अधिकारी से ली जाए कि किस आधार पर वो छुट्टी लेकर यहाँ पर आए और रात के समय यहाँ पर क्या कर रहे थे। सूबेदार के अनुसार जो कि मुझे उन्होंने बताया फ़ोन पर, उन्होंने बताया कि वो जो तहसीलदार हैं अशोक जी, उन्होंने बताया कि उनके साथ एक और महगांव का पटवारी था जो साथ में थे और रात के समय पर वो बताया यहाँ पर डायबिटीज़ की दवा लेने के लिए आए थे। मेरा प्रश्न है कि रात में 12 बजे या 10 बजे इस रोड पर कहाँ पर डायबिटीज़ की दवाई मिल रही थी, और आए भी थे चलिए ठीक है वो उनका व्यक्तिगत बीमार होंगे, लेकिन क्या अनुमति लेकर आए, क्या महगांव से जो पटवारी आया वो अनुमति लेकर आया, ये सारे प्रश्न खड़ा करते हैं, संदेह खड़ा करते हैं प्रशासनिक मशीनरी के ऊपर। इस बात को लेकर आज हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है, भोपाल भी शिकायत की है, जिला निर्वाचन अधिकारी को भी शिकायत की और इस पर जाँच की मांग की है। इसके मामले में हमारे महगांव के प्रत्याशी OPS भदौरिया जी, गोवध के प्रत्याशी रणवीर सिंह जी और सभी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों की जानकारी में ये मैटर है। हम सब लोग चिंतित थे इस बात को लेकर, लेकिन इसकी जांच जरूर करवाएंगे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की सख्त मांग। भिंड से वीर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।